तो हमने अलना भी करनी है, मसल्स भी करने हैं शोल्डर जॉइंट के, और शोल्डर जॉइंट को एज सच भी करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अलना। अलना मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो फोर आर्म है उसमें दो बोन्स हैं, एक रेडियस और एक अल्ना, एक लैटरल साइड पे होगी और एक मीडियल साइड पे होगी। लैटरल साइड पे अल्ना किसके साथ होमोलोगस है? इट इज़ होमोलोगस विद द फिब्यूला ऑफ द लोअर लिम्प। ठीक है, ये फिब्यूला ऑफ लोअर लिम्प से मैच करती है, इसके जो भी स्टाइलॉइड प्रोसेस की डायरेक्शन है, साइड है, वो सब कुछ उससे मिलता है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है अल्ना, तो हमें पहले सबसे पता होना चाहिए कि किस टाइप की बोन है। तो किस टाइप की बोन होगी? ये लॉन्ग बोन होगी। ऑफ कोर्स लॉन्ग बोन है तो एक शेफ्ट होगी और दो एंड्स होंगे, एक अपर एंड और एक लोअर एंड। ठीक है, एक अपर एंड और एक लोअर एंड। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो इसका लोअर एंड है उसको हम हेड कहते हैं, वरना सारी बोन्स में जो अपर एंड होता है उसको हम हेड कहते हैं ना। लेकिन इसमें आपको देख भी सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हेड ऑफ अल्ना। ठीक है, तो हेड ऑफ अल्ना क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका लोअर एंड को हेड कंसिडर करते हैं। दूसरी बात क्या आपने याद रखनी है कि ये एल्बो जॉइंट तो बना रहा है। ठीक है, जैसे अल्ना का मैंने बताया था कि ह्यूमरल अल्नर या अल्नो ह्यूमरल जॉइंट बन रहा है। ठीक है, और रेडियो अल्ना जॉइंट भी बन रहा होता है सुपीरियर और इन्फीरियर, और एल्बो जॉइंट में रेडियस भी पार्टिसिपेट करी होती है अल्ना, यानी दोनों बोन्स पार्टिसिपेट करी हैं इन द एल्बो जॉइंट। लेकिन जो रिस्ट जॉइंट है उसमें दोनों बोन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही, अल्ना पार्टिसिपेट नहीं करती इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। क्यों? क्योंकि जो अल्ना का ये हेड है ना, या फिर लोअर एंड है, ये सेपरेट हुआ हुआ होता है रिस्ट जॉइंट से विद द हेल्प ऑफ एन आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से, कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, आप कनेक्टिव टिश्यू समझ लें इस वक्त, डिस्क से वो सेपरेट हुआ होता है और वो रिस्ट जॉइंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो लाइक एवरी लॉन्ग बोन इट हैज गॉट थ्री पार्ट्स, एन अपर एंड, अ शाफ्ट एंड अ लोअर एंड। ठीक है, तो जो अपर एंड है ये वाला, ये अपर एंड है इसका। ठीक है, और इसमें कुछ इसके जो फीचर्स हैं, बोनी फीचर्स देखेंगे पहले की तरह हम लोग, और उसके बाद इसकी मस्कुलर अटैचमेंट्स पे आ जाएंगे। तो बोनी फीचर्स क्या क्या हमें इसमें नजर आ रहे हैं? एक ट्रोक्लियर नॉच है। ठीक है, और ये ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है। अपर एंड के बेसिकली फाइव जो होती हैं ना सर्फेसिज होती हैं। क्या होती हैं? फाइव सर्फेसिज होती हैं। क्या होती हैं? फाइव सर्फेसिज होती हैं। कौन कौन सी सर्फेस होती है? ये एंटीरियर सर्फेस है जो कि ट्रोक्लियर नॉच शो करिए, डिप्रेशन शो करिए। नॉच हमें पता है ना डिप्रेशन को कहते हैं। ठीक है जी, ये आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी। ट्रोक्लियर नॉच है एंटीरियर सर्फेस पर, यह डिप्रेशन है। इसके अलावा हमारे पास एक सुपीरियर सर्फेस है। अगर हम इसको, इस सरफेस को ले लें तो ये क्या होगी? ये वाली जो सरफेस है ये क्या है? सुपीरियर सरफेस। क्या है? सुपीरियर सरफेस है। ठीक है, तो एक एंटीरियर सरफेस होगी, एक सुपीरियर सरफेस होगी, इसके अलावा एक लैटरल सरफेस होगी और एक मीडियल सरफेस होगी। जैसा कि यहाँ पे भी शो किया गया है, ये लैटरल सरफेस है और इसी के अपोजिट क्या होगी? मीडियल सरफेस। लैटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। ठीक है, और इसके लैटरल सरफेस पर अभी ही बात बता दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको याद भी रहेगी। ये लैटरल सरफेस है ना, लैटरल साइड है यानी कि, और इसी के बिल्कुल नीचे बिलो द लैटरल सरफेस हमारे पास एक तो रेडियल नॉच होगी, ये वाली रेडियल नॉच जो मैंने आपको कल बताया था कि सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ रेडियस कम्बाइंस विद द अल्ना टू फॉर्म, ये रेडियल अल्ना जॉइंट बनने और साथ ही इस जॉइंट को जो है एन्युलर लिगामेंट सपोर्ट कर रहा होता है। एंड बिलो द रेडियल नॉच हमारे पास सुपीनेटर क्रेस्ट मौजूद है। क्या मौजूद है? सुपीनेटर क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? थोड़ी सी एलिवेटेड सी जो जगह होती है ना उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। तो सुपीनेटर क्रेस्ट है, सुपीनेटर क्रेस्ट। सुपीनेटर से आपके जहन में क्या आ रहा है? सुपीनेशन। सुपीनेशन कौन सा मसल कराता है? सुपीनेटर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सुपीनेटर मसल अटैच होगा, इसीलिए हम इसको सुपीनेटर क्रेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सर्फेस कौन कौन सी होगी? एंटीरियर सरफेस जो कि ट्रोक्लियर नॉच शो कर रही है। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस, सुपीरियर सरफेस हो गई। ठीक है, उसके बाद लैटरल सरफेस हो। हम अगर यहाँ ट्रेस करें तो यहाँ पे क्या होगी? मीडियल सरफेस। क्या होगी? मीडियल सरफेस। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगी? पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस राउंडेड होती है और ओलिक्रोनॉन प्रोसेस दिखा रही मतलब शो करी होती है। ये हमारे पास सुपीरियर एस्पेक्ट पे ही अल्ना ट्यूबरोसिटी मौजूद है, और साथ ही ये आपको मैं मार्क करती हूँ, ये अल्ना ट्यूबरोसिटी है। एक मिनट, ये अल्ना ट्यूबरोसिटी है और ये वाली जो जगह जहाँ से ये रेडियस से ज्वाइन हुई हुई है ना, ठीक है, जहाँ से रेडियस से ज्वाइन हुई हुई है अल्ना, यहाँ पे क्या होगी? रेडियल नॉच। ये आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा होगा, ये वाला डिप्रेशन, ये वाला डिप्रेशन जो है ना, यहाँ पे अल्ना नॉच बन रही है। ठीक है, और ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बन रहा है जो कि एन्युलर लिगामेंट से सपोर्ट हुआ है। किस लिगामेंट से? एन्युलर, ए डबल एन यू एल ए आर, एन्युलर लिगामेंट से सपोर्ट हुआ है, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस से। ठीक है, ये क्या है? ओलिक्रेनॉन प्रोसेस,
ओलीक्रेनॉन प्रोसेस, ठीक है, ये वाला यहाँ पे मार्क भी हुआ है। रेडियल ट्यूबरोसिटी के लिए जो जगह है उसको क्या कहते हैं, रेडियल नॉच, जहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी फिटन हुई हुई है जो जॉइंट बना रही है, ठीक है। ये वाला जो जॉइंट है ना, यहाँ पे हमारे पास रेडियस के लिए जगह है, सर्कमफेरेंस के लिए, इस सर्कमफेरेंस के लिए जगह है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल नॉच, जो कि सुपीरियर रेडियो अलर जॉइंट बना रहा है और इसको एनुलर लिगामेंट सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो मैंने बताया ना कि एक ओलीक्रेनॉन प्रोसेस है, ठीक है, जो सुपीरियर सरफेस है उस पर ओलीक्रेनॉन प्रोसेस है, और उसकी ही हम सर्फेसिस को ये देख रहे थे कि एंटीरियर है पोस्टीरियर है, ठीक है। तो ये जो ओलीक्रेनॉन प्रोसेस है ना, ये पोस्टीरियरली डायलेटेड होता है, क्या होता है, पोस्टीरियरली डायलेटेड होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्ना का हेड है, इस पर जो सबसे सुपीरियर मोस्ट प्रोसेस है वो ओलीक्रेनॉन प्रोसेस है, और वो पोस्टीरियरली डायलेटेड होता है, और इसकी 5 सर्फेसिस होती हैं, एंटीरियर सर्फेस जो कि ट्रोक्लियर नॉच शो कर रही है, सुपीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस यहाँ पे बना भी हुआ है, ये ट्रायंगुलर इंप्रेशन देती है। ट्रायंगुलर इंप्रेशन का क्या काम है ये मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। और इसके अलावा लैटरल और मीडियल सर्फेसिस, तो लैटरल सर्फेस का मैंने ये बताया है कि लैटरल सर्फेस के नीचे बिल्कुल रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल नॉच होगी फॉर द हेड ऑफ रेडियस, ठीक है, और उसके नीचे क्या होगी, सुपीनेटर क्रेस्ट, जहाँ पे सुपीनेटर मसल ने आके अटैच होना है, ओलीक्रेनॉन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस थी। अब ओलीक्रेनॉन प्रोसेस जो है पोस्टीरियरली डायलेटेड है, इसको अगर आप जहन में लाएं, ठीक है, तो जब अल्ना मूव करेगी पोस्टीरियरली यानी एक्सटेंड करेगी, तो इसको अकोमोडेशन की जगह चाहिए होगी, क्योंकि ये पीछे से बहुत मोटा है, ठीक है, पीछे से डायलेटेड है ना, मोटा है, तो इसको क्या चाहिए होगी, अकोमोडेशन की जगह चाहिए होगी। तो आपने एक ओलीक्रेनॉन फोसा पड़ा होगा ह्यूमरस में, तो ये उसमें अकोमोडेट करता है ड्यूरिंग एक्सटेंशन, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सटेंशन ये अकोमोडेट करता है इन द ओलीक्रेनॉन फोसा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा प्रोसेस इसके अपर एंड पे है, कोरोनॉइड प्रोसेस। क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड का लफ्जी मतलब क्या है, बीक लाइक, कोरो, क्रो होता है ना, उसकी बीक होती है, उससे ये लफ्ज निकला है कोरोनॉइड प्रोसेस। तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस है इसकी 4 सर्फेसिस हैं, ओलीक्रेनॉन की कितनी थी, 5 थी, और जो कोरोनॉइड है इसकी 4 सर्फेसिस हैं, कितनी सर्फेसिस हैं, 4 सर्फेसिस हैं। एक एंटीरियर सर्फेस होगी, मैं बताती हूँ अभी, एक मिनट, एक एंटीरियर सरफेस होगी ये वाली, और एक सुपीरियर सरफेस होगी, ठीक है, ये एंटीरियर सरफेस मार्क हुई हुई है और अब सुपीरियर सरफेस मार्क हुई है, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, और इसी के साथ साथ हमारे पास इसकी लैटरल सरफेसेस भी होंगी, ठीक है, क्या होंगी, लैटरल सरफेस होगी और मीडियल सरफेस होगी, ठीक है। लैटरल और मीडियल यहाँ पे मैं आपको शो नहीं करा सकती, लेकिन अगर हम जानना चाहें तो इस डायग्राम पे साइड वाली 2.20 पे आएं, ठीक है। ये रेडियस वाली जगह क्या होगी, लैटरल इसकी सरफेस, क्योंकि रेडियस लैटरल ही पड़ी हुई है, इस तरह से आपने याद रखना है। और अगर इधर से देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी मीडियल सरफेस होगी, और इसमें कौन सी सरफेस एब्सेंट है, जो कि ओलीक्रेनॉन प्रोसेस में थी, पोस्टीरियर सरफेस, इसमें पोस्टीरियर सरफेस नहीं है, यानी कोरोनॉइड प्रोसेस एंटीरियरली डायलेट हुआ है और ओलीक्रेनॉन प्रोसेस पोस्टीरियरली डायलेट हुआ है। कोरोनॉइड प्रोसेस अगर एंटीरियरली डायलेट हुआ है तो इसको भी हम रिलेट करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को आपने एनाटॉमी को ना रिलेट कर करके चलना, बड़ा आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे। जब कोरोनॉइड प्रोसेस एंटीरियरली डायलेटेड है, तो जब हम एंटीरियर मूवमेंट करेंगे या फ्लेक्शन करेंगे, तो इसको अकोमोडेशन की जगह चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, कोरोनॉइड फोसा होगा, ठीक है, ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस, ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि जो अल्ना है वो मीडियल साइड की बोन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी सर्फेसिस और बॉर्डर्स पर। जब इसके 3 बॉर्डर्स हैं, एक होगा एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है। और ये किस साइड की बोन है, मीडियल साइड की बोन है, ठीक है। और इस पे लैटरल बॉर्डर होगा, क्योंकि इसने लैटरल वाली बोन के साथ कम्युनिकेट करना है ना, थ्रू द इंटरओशियस मेम्ब्रेन। तो इंटरओशियस बॉर्डर कहाँ पे होगा, लैटरल साइड पे होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती भी जाती हूँ कि अगर हम इसी अल्ना ट्यूबरोसिटी को ट्रेस करें तो हमें मिल जाता है एंटीरियर बॉर्डर। अल्ना ट्यूबरोसिटी को ट्रेस करें तो क्या मिलेगा, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास रेडियल नॉच वाली जगह है, अगर इससे नीचे आ जाएं तो हमें क्या मिल जाता है, इसका लैटरल शार्प बॉर्डर, क्या मिल जाता है, लैटरल शार्प बॉर्डर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इंटरोशियस बॉर्डर, क्योंकि ये इंटरोशियस मेम्ब्रेन के जरिए रेडियस से मिला रहा होता है। तो ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर था, जो कि अल्ना ट्यूबरोसिटी को ट्रेस करने से आया है। और सुपीनेटर क्रेस्ट को अगर हम ट्रेस करें, या फिर रेडियल नॉच को भी कह सकते हैं, लेकिन सुपीनेटर क्रेस्ट इज़ ए बेटर ऑप्शन, अगर हम उसको ट्रेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैटरल बॉर्डर। इसके बाद हमने देखना है पोस्टीरियर बॉर्डर। मैंने कहा था कि जो ओलीक्रेनॉन प्रोसेस है, ये पोस्टीरियरली एक ट्रायंगल को
इनक्लोज कर रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको ये इनक्लोज कर रहा है। अब इस ट्रायंगल को इनक्लोज करने का कोई मकसद होगा, क्या मकसद है कि ये जो इसकी पोस्टीरियर एक्सटेंशन हो रही है ना, जो आपको लाइन नज़र आ रही है, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन बुक वाली लाइन बिल्कुल सही होगी। मैं लाइन इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ना, जो इस ट्रायंगुलर प्रोसेस की ट्रेसिंग से हमें मिली है, ठीक है, ये वाली लाइन जो ट्रायंगुलर प्रोसेस के ट्रेसिंग से मिली है, ये क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, तीन बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर, लैटरल या इंट्रोशियस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। आ जाते हैं लैटरल बॉर्डर पर। जब लैटरल बॉर्डर है वो क्या है, इंट्रोशियस बॉर्डर है। अगर हम सुप्रीनेटल क्रेस्ट को, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपनेट के लैटरली लाइ करती है, उसको ट्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैटरल बॉर्डर, एज सिंपल एज दैट। क्या आ जाएगा, लैटरल बॉर्डर आ जाएगा। ओलिक्रेनियन प्रोसेस जिस ट्रायंगुलर जगह को इनक्लोज कर रहा था, अगर उसकी हम एक्सटेंशन लें तो क्या आ जाएगा, बॉर्डर जा रहा है, पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, टुवर्ड्स द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। हमने रेडियस में भी स्टेलॉइड प्रोसेस पढ़ा था, बट देर इज अ डिफरेंस। आप अगर गौर करें तो रेडियस का स्टेलॉइड प्रोसेस लैटरली लाया कर रहा है, जबकि अल्ना का स्टेलॉइड प्रोसेस मीडियली, कह दें आसानी के लिए, वरना पोस्टरोमीडियली लाया कर रहा है, पोस्टरोमीडियली लाया कर रहा है, ठीक है। इसलिए कि तब हम आ जाते हैं इसकी सर्फेसिस पे। सर्फेसिस मैंने बताया था कि एंटीरियर पोस्टीरियर तो सरफेस होगी ही होगी ना, मीडियल लैटरल का हमें मसला है। तो अगर इसमें लैटरल बॉर्डर है तो मीडियल सरफेस होगी, ठीक है। अगर हम एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, और इसके अलावा इंटरओशियस बॉर्डर के दरमियान की जगह को लें, तो ये वाली जो जगह है ये क्या है, एंटीरियर सरफेस, ठीक है। ये क्या है, थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी लग गई है, ये इंटरओशियस बॉर्डर है, ठीक है ना। तो ये वाली जगह क्या होगी, सारी की सारी एंटीरियर सरफेस, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर सरफेस। अब नए कि एंटीरियर बॉर्डर पे लाइन लगे रहने देते हैं और हम आ जाते हैं इसके मीडियल सरफेस पे। किस पे आ जाते हैं, मीडियल सरफेस पे। ये क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, और ये क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। इन दोनों के दरमियान की जो सरफेस होगी ना, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर के बॉर्डर के दरमियान की सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियल सरफेस। अगर हम यहाँ, मैं आपको एक ही बॉन्ड पे समझाऊँ एक ही तरफ, तो ये वाली जो पोस्टीरियर सरफेस है और यहाँ पे इसका एंटीरियर बॉर्डर होगा, आगे करके थोड़ा सा आगे टिल्ट करेंगे तो, और इसके दरमियान की सरफेस क्या होगी, मीडियल सरफेस। और देखिए मीडियल ही स्टेलॉइड प्रोसेस भी आ रहा है। जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरोशियस बॉर्डर या लैटरल बॉर्डर या शार्पेस्ट बॉर्डर के दरमियान ये वाली जो सरफेस बन रही है, इट इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। अच्छा, अब सिर्फ लोअर एंड रह गया, जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद हमने मसल्स देखने हैं, ठीक है, और मसल्स भी बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि हमने रेडियस की हुई है, ठीक है। अब लोअर एंड पे क्या है, मीडियली स्टेलॉइड प्रोसेस है, और बाकी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आर्टिकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसके बाद हम आ जाते हैं लोअर एंड पर, ठीक है। तो स्टेलॉइड प्रोसेस मीडियली पड़ा हुआ है, इसके अलावा क्या है कि जो इसका लोअर एंड है इसको हम कहते हैं हेड ऑफ अल्ना, क्या कहते हैं, हेड ऑफ अल्ना, और इसके एंटीरियरली पास कर रही होती है अल्नर आर्टरी, एक रेडियल आर्टरी एक अल्नर आर्टरी है, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी का हमने बताया था, कल मैंने बताया था, और चेक भी हम रेडियल आर्टरी ही करते हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू गाइज, क्या सब अपनी रिस्ट को देखें, ठीक है, और रिस्ट के पीछे आपको ना अपने थंब से ऑपोजिट साइड पे हैंड पे आ जाएं, पोस्टीरियरली एक बल्जिंग एरिया महसूस हो रहा होगा, फील करें। ये जो बल्जिंग एरिया है ना, ये स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना है। अब उस जो बल्जिंग एरिया ना, उससे थोड़ा सा आगे आ जाएं और प्रेस करें विद योर टू फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर, आपको जो है ना अल्नर आर्टरी की पल्स महसूस होगी। अभी इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी पे आ जाते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक डिफॉर्मिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसको हम कहते हैं मेड लंग्स डिफॉर्मिटी। क्या कहते हैं, मेड लंग्स डिफॉर्मिटी है, मेड लंग्स डिफॉर्मिटी। इसमें होता क्या है कि लोअर एंड ऑफ अल्ना जो है ये डिसलोकेट हो जाता है, ये डिसप्लेस हो जाता है, इसको हम कहते हैं मेड लंग्स डिफॉर्मिटी। अच्छा, अब मस्कुलर अटैचमेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमने रेडियस पढ़ी है तो उसमें रेडियल ट्यूबरोसिटी पे बाइसेप ब्रिकाय अटैच हुआ था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक याद रखने वाली काबिल जिक्र चीज़ है, तो आपने ये याद रखनी है। इसके बाद हमारी अल्नर जो ट्यूबरोसिटी है ना, उस पर क्या अटैच हुआ है, ब्रेकियलिस मसल अटैच हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो ओब्लीक कॉर्ड थी ना, हमने रेडियस को देखा था, ये ओब्लीक कॉर्ड है। अगर हम इसी को आगे करें ना, एक्सटेंड करें,
जैसा कि मैं अभी कर भी रही हूँ, ये फ्लेक्सिटेटोरियम सुपरफिशियलिस ओब्लीक कॉर्ड पर जैसे अटैच हुआ था, ये तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाए हुए हैं ना, असल में मसल्स ऐसे थोड़ी ना पड़े हुए होते हैं, असल में तो वो कॉन्टिन्यूएशन में पड़े हुए होते हैं। तो अगर इसकी कॉन्टिन्यूएशन करें तो ये आपको नज़र ही आ रहा होगा कि ओब्लीक लाइन के जो है ना ओब्लीक्विटी में आ रही है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या अटैच हुआ हुआ है, अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे कि हमारा जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उसके मीडियली फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस अटैच हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखी थी कि प्रोनेटर टीरीज की अटैचमेंट है, ये रहा प्रोनेटर टीरीज, ये प्रोनेटर टीरीज अटैच हुआ है रेडियस पे, ठीक है। रेडियस की लेटरल साइड पे प्रोनेटर टीरीज है और अल्ना की मीडियल साइड पे प्रोनेटर टीरीज है। आप जो भी चीज़ देखेंगे ना रेडियस और अल्ना में, ये तकरीबन ऑपोजिट होगी। हमने इसकी अटैचमेंट्स कर ली अभी तक, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस प्रोनेटर टीरीज ऑन द मीडियल साइड, ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा है ब्रेकियलिस ऑन द अल्नर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ये सारी अटैचमेंट्स हो गई। अब इसका जो हमने जैसे रेडियस में भी पढ़ा था कि एक बड़ा सा मसल इसकी एंटीरियर साइड पर अटैच हो रहा है और वो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस था, ठीक है, तो अल्ना की एंटीरियर 2/3 पे क्या अटैच हो रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, क्या अटैच हो रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। फ्लेक्सर का मतलब ये है कि फ्लेक्स करेगा, डिजिटोरियम का क्या मतलब है कि डिजिट्स पे जाके, फिंगर्स पे जाके अटैच हो रहा होगा, तो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। जो डिजिट्स हैं, एक तो हमारे पास थंब हो गया ना, ये अलग से है, और डिजिट्स हैं जो अपर लिम में थंब है वो किस साइड पे लाया कर रहा है, लैटरली लाया कर रहा है, तो जो लैटरल साइड की बोन है यानी कि रेडियस है उस पे पोलिसिस मसल अटैच होगा, यानी थंब वाला मसल अटैच होगा, और जो मीडियल साइड का बोन है उस पे क्या अटैच होना चाहिए, डिजिट्स का मसल। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस पे, ये शाफ्ट है उसमें इन्फीरियरली प्रोनेटर क्वाड्रेटस अटैच हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी पोस्टीरियर अटैचमेंट्स पे आ जाते हैं। जो पोस्टीरियर अटैचमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो ओलिक्रेनियन प्रोसेस है ये पोस्टीरियरली एक ट्रायंगुलर एरिया को इनक्लोज कर रहा होता है, उस ट्रायंगुलर एरिया के अबव ट्राइसेप ब्रेकाई आके अटैच होगा, ट्राइसेप ब्रेकाई, ट्राइसेप का क्या मतलब है, तीन हेड्स होंगे इसके, ठीक है, ट्राइसेप ब्रेकाई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एनकोनियस मसल है ऑन द लैटरल साइड, एनकोनियस मसल है, क्या मसल है, एनकोनियस मसल है, ठीक है। लैटरल साइड पे हमारे पास सुपीनेटर क्रेस्ट भी पड़ी हुई थी ना, वहाँ पे सुपीनेटर मसल भी था, इसी तरह से उसी के साथ ही एनकोनियस मसल भी पड़ा हुआ है, एनकोनियस मसल भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ पे कि आगे कौन कौन से मसल्स की अटैचमेंट होगी। अब हम इसकी पोस्टीरियर साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली हमने क्या क्या पड़ा हुआ है इसको देखना है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस है, क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, क्योंकि वो एंट्रोपोस्टीरियरली डायलेट हुआ है, बेसिकली वो एंट्रोपोस्टीरियरली डायलेट हुआ है, तो वो एंटीरियरली भी 2/3 आ रहा है और पोस्टीरियर हाफ पे भी 2/3 आ रहा है, ठीक है। पोस्ट्रोमीडियली अटैचमेंट है, ये इतनी ज़्यादा गहराई में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गए हैं एपोन्यूरोसिस फॉर फ्लेक्सर कार्पाई, एक्सटेंसर कार्पाई, अल्नारिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है। ये भी याद करने वाली बात है, ये आपने याद कर लेनी है, और एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस है ऑन द लैटरल साइड ऑफ अल्ना, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ पोलिसिस वाली आएगी भी अल्ना पे तो वो लैटरल साइड पे आ रही है, यानी एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन कराएगा, थंब पे अटैच ब्रेविस भी है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सटेंसर इंडिसेस है, इंडेसिस यानी इंडेक्स फिंगर भी अ बिट लैटरली है, वैसे तो मीडियल अगर थंब के लिहाज से देखेंगे तो मीडियल ही है, लेकिन यहाँ पे लैटरली इसकी अटैचमेंट हुई हुई है और वैसे भी थंब के करीब है, तो एक्सटेंसर इंडेसिस यहाँ पे आके अटैच हुआ है। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द शोल्डर, अभी मैं आपको पेक्टोरल रीजन के मसल्स कराऊंगी, स्कैपुलर रीजन बेसिकली के मसल्स कराऊंगी, और उसके पढ़ाने का तरीका होता है, तो अभी हमने ओरिजिन इंसर्शन देखी भी है ना, आप लोगों ने स्कैपुलर ह्यूमरस सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसी के लिहाज से उस पर आपने पैक मेजर भी पढ़ा होगा, पैक माइनर भी पढ़ा होगा, सब क्लेवियस भी पढ़ा होगा, सेरेटस इंटीरियर भी पढ़ा होगा, तो ये चीज़ आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी यकीनन, और मैं होप करती हूँ कि आपको पहले पता होंगी बातें। बेटा ये जो मसल्स हैं पैक मेजर पैक माइनर, इनकी अटैचमेंट्स आपने अपर लिम पे तो पढ़ ली है, लेकिन इनकी दूसरी अटैचमेंट्स थोरेक्स पे हो रही हैं, ठीक है, और ये जो है ना इस वजह से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी कुछ कुछ मसल्स जो हैं वो आते होते हैं फॉर SEQs, तो वो जो SEQs हैं ना वो मैं आपको कवर कराने के लिए ये पढ़ा रही हूँ, और ये एंटीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर स्केलेटन के या इंटीरियर थोरैको अपेंडिकुलर स्केलेटन के मसल्स पढ़ रहे हैं हम आ जाते हैं एंटीरियर पे
एंटीरियर पे पेक मेजर पड़ा हुआ है, लार्ज मसल है, पेक माइनर है, छोटा मसल है, सब क्लेवियस है और इसके अलावा सेरेटस इंटीरियर है। क्या है? सेरेटस इंटीरियर। बच्चों मैं आपको इसके डायग्राम्स दिखाऊंगी, अभी हम ओरिजिन इंसर्शन करेंगे और उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, तो आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना कि डायग्राम है ही नहीं और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। अभी आपने अपनी पिछली मेमोरी को इस्तेमाल करना है और उसके बाद मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगी साथ साथ। पेक्टोरलिस मेजर जो है इसका ओरिजिन हो रहा है क्लेविकल पे, क्लेविकल पे आपने पढ़ा था ये, ठीक है। उसके अलावा स्टर्नम पे हो रहा है और अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस पे हो रहा है। कोस्टल कार्टिलेजेस जो रिब्स का एरिया है, कोस्टल मीन्स रिब, यानी जो रिब की कार्टिलेज है, कार्टिलेजेस हैं, उन पे जाके ये इनके उनसे ओरिजिन ले रहे हैं। ओरिजिन और इंसर्शन आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अच्छी टर्म्स नहीं है, प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड ज़्यादा अच्छी टर्म्स होती हैं, लेकिन लिखना ओरिजिन और इंसर्शन ही होता है, ठीक है। और रूल क्या है? बाय रूल ओरिजिन, रूल क्या है? ओरिजिन पुल्स द इंसर्शन। मूवमेंट होनी है ना, कॉन्ट्रैक्शन होनी है, मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। सो ओरिजिन विल पुल द इंसर्शन, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? क्लेविकल, स्टर्नम, अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस, और ह्यूमरस पे आपने पढ़ा होगा लैटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, लैटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस पे ये जाके अटैच हो रहा है। क्या होगा कि जो ह्यूमरस है उस पर एक लैटरल लिप होता है, एक मीडियल लिप होता है और एक बाइसिपिटल ग्रूव होता है। तो मैं इसके लिए आपको निमोनिक बता रही हूँ याद करने के लिए, कि निमोनिक आपको मैंने शोल्डर जॉइंट में भी पढ़ाना था, तो मैंने कहा मैं आपको अभी बता दूँ तो आपको जो है ना अटैचमेंट्स भी अच्छे से याद हों। तो निमोनिक क्या है? लेडी बिटवीन टू मेजर्स, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। लैटरल लिप पे अटैचमेंट होगी पेक्टोरलिस मेजर की, मीडियल लिप पे अटैचमेंट होगी टीरीज मेजर की। मैं आपको निमोनिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे भी याद करने में आसानी हो। दूसरा शोल्डर जॉइंट मैंने पढ़ाना है, तो उसमें मैंने आपको इसी निमोनिक के थ्रू आगे मूवमेंट्स भी बतानी है, ठीक है। और बाइसिपिटल ग्रूव में क्या अटैच हो रहा होगा? लेडी यानी कि लेटिसमस डॉर्साई। अब आ जाते हैं पेक्टोरलिस माइनर पे। पेक्टोरलिस माइनर क्या होगा? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स पे अटैच हो रहा होगा, और साथ ही साथ कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे अटैच हो रहा है। ये कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे आपने इसकी इंसर्शन तो पढ़ी थी, लेकिन अब आपको ओरिजिन भी पता चल गया कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब्स पे अटैच हो रहा है। ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब्स पे पेक माइनर अटैच कर रहा है। पेक मेजर अपर सिक्स पे था, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे, ये याद आपने खुद करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सब क्लेवियस पे। सब क्लेवियस क्या बता रहा है? कि क्लेविकल के नीचे होगा। क्लेविकल के नीचे आपने ये मसल भी पढ़ा था और एक फोसा भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्लेविकल की इंफीरियर सरफेस पर इसकी इंसर्शन हो रही है, और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज पे इसकी जो है ओरिजिन हो रही है। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिनेट करके कहाँ जा रहा है? क्लेविकल पे, ठीक है। अच्छा, अब ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई थी कि ओरिजिन पुल्स द इंसर्शन, क्योंकि आप देख रहे होंगे बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि जो प्रॉक्सिमल एंड पे होगा ना मसल की अटैचमेंट वो ओरिजिन होगा, और जो डिस्टल एंड पे होगी वो होगी इंसर्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओरिजिन पुल्स द इंसर्शन के थ्रू, रूल के थ्रू जो है ये चल रहा होता है। और ये ओरिजिन पुल्स द इंसर्शन लाइन आपने एक तो जहन में रखनी है, उसके बाद जब आप मूवमेंट्स पढ़ें तो आपने इसको जहन में रखेंगे कि ओरिजिन क्या था, इंसर्शन क्या था, और फिर ये माइंड में अपने जो है ना एनिमेशन बनाएंगे कि ओरिजिन पुल कर रहा है इंसर्शन को तो कौन सी मूवमेंट होगी। इससे आपको चीज़ों को रट्टा लाइज कम करना पड़ेगा। ओरिजिन द इंसर्शन का मतलब ये है कि मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको मूवमेंट शो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। जब वो मूवमेंट शो करेगा तो एक जगह जो है ऐसी होगी, एक पॉइंट ऐसा होगा मसल का जो फिक्स्ड रहेगा, और दूसरा पॉइंट होगा जो मूव कर रहा होगा, ठीक है। मसलन आप अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में हिला के देखें, बेशक फ्लेक्स करके देखें, तो एक पॉइंट फिक्स है, ठीक है। मसलन अगर रिस्ट जॉइंट को आप हिला रहे हैं तो जो रिस्ट वाली जगह है वो फिक्स्ड है, और फिंगर्स उसकी तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। तो फिंगर्स उसकी तरफ मूव कर रही हैं ना, तो एक मसल की अटैचमेंट होती है, एक मसल की अटैचमेंट होती है जो फिक्स रहती है, और दूसरी को वो अपनी तरफ पुल कर रही होती है। तो जो जगह पुल हो रही होगी वो इंसर्शन होगी, और जो जगह पुल कर रही होगी वो ओरिजिन होगी। ये ओरिजिन और इंसर्शन का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि वो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है या वो डिस्टल अटैचमेंट है। अब हम आ जाते हैं सब क्लेवियस मसल पे। सब क्लेवियस बल्कि हमने कर लिया है। अब सेरेटस इंटीरियर पे आ जाते हैं। इसकी जो है ओरिजिन होगी अपर एट रिब्स पे। ये सेरेटस इंटीरियर फ्लावर शेप्ड का मसल होता है, अपर एट रिब्स पे, मीडियल बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे इसकी अटैचमेंट होती है, और अपर एट रिब्स पे होती है। मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाऊंगी, वो आपने देख लेनी है, उससे बेहतर समझ आ जाएगा। ये नेटर के एटलस से मैंने डायग्राम ली है, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का सोर्स चाहिए हो तो मुझे बता दिया करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत इशू होता है, समझ ही नहीं आता बच्चों को कि उन्होंने कहाँ से पढ़ना है। ये पेक मेजर शो किया गया,
ये क्या है, पेक्टोरलिस मेजर, कट ऑफ हुआ है। कट ऑफ क्या है, यहाँ पे ह्यूमरस है ना, ये ह्यूमरस है, ठीक है, ये जो वाइट वाइट से नज़र आ रही है ये ह्यूमरस है, और ये इसकी लेटरल लिप, यहाँ पे कहीं इसका लेटरल लिप पड़ा हुआ होगा, वहाँ से शुरू हुआ है और जाके अटैच हुआ है अपर सिक्स कोस्टल कार्टिलेजेस पे। पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर हमने पढ़ा है, पेक्टोरलिस माइनर की जो ओरिजिन हो रही थी वो हो रही थी 3-5th रिब से, ये इसके पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है पेक्टोरलिस माइनर, और ये इस शेप में कुछ पड़ा हुआ होता है, इस शेप में, ठीक है। तो ये 3-5th रिब्स पे अटैच हुआ हुआ है, और उधर से इसकी इंसर्शन कहाँ है, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे, ठीक है, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे यहाँ पे इसकी अटैचमेंट हुई भी होगी, वो जाहिर सी बात है मैं आपको शो नहीं कर सकती, लेकिन वो आपने पढ़ी है, तो बेसिक अटैचमेंट आपको यहीं की मैंने दिखानी थी और वो मैंने दिखा दी है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सब क्लेवियस मसल पे, सब क्लेवियस मसल यहाँ पे शो नहीं किया गया, वो शो ऐसे हो भी नहीं सकता, बहरहाल आपने याद रखना है सब क्लेवियन फोसा में होगा ये मसल, और फर्स्ट रिब से जाके अटैच हो रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं सेरेटस इंटीरियर, ये सेरेटस इंटीरियर है, ये देखें ये फ्लावर शेप लग रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो फ्लावर इसकी शेप है ना, ये है कि क्योंकि इसकी 8 स्लिप्स होती हैं, कितनी स्लिप्स होती हैं, 8 स्लिप्स होती हैं, ठीक है, और ये तकरीबन फर्स्ट टू 8 कार्टिलेज पे, या कुछ किताबें लिखती हैं तो फर्स्ट टू 9th रिब्स की कार्टिलेजेस पे जाके ये कि रिब से ये कार्टिलेजेस से ओरिजिनेट हो रहा होता है, और फिर हमें पता है कि स्कैपुला पे इसकी मीडियल और इन्फीरियर अटैचमेंट है, ठीक है। देखें हमने पढ़ा है ना कि पेक्टोरलिस मेजर जो है ओरिजिन ले रहा है यहाँ से और इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ओरिजिन पुल करेगा इंसर्शन को, ओरिजिन, दिस ओरिजिन विल पुल द इंसर्शन, ये मेरा मतलब था उस बात से, और इस तरह से क्या होगी, एडक्शन होगी, तो ये एडक्शन में हेल्प करेगा, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप इस बात को समझ के पढ़ें। अब हम आ गए हैं इस डायग्राम पे, ठीक है, तो पोस्टीरियर हमने एंटीरियर एक्जियो अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ लिया, या एंटीरियर थोरैको अपेंडिकुलर, और उसमें क्या क्या आया था, पेक मेजर, पेक माइनर, सेरेटस इंटीरियर और सबक्लेवियस, और सेरेटस इंटीरियर को हम बॉक्सेस मसल कहते हैं, और पोस्टीरियर एक्जियो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुछ मसल्स सुपरफिशियल पड़े हुए होते हैं और कुछ मसल्स डीप पड़े हुए होते हैं, जो सुपरफिशियल होते हैं हम उनको एक्सट्रिंसिक मसल भी कहते हैं और डीप को हम इंट्रिंसिक मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम पोस्टीरियर पे आ गए हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं या सुपरफिशियल मसल्स हैं, और इंट्रिंसिक मसल्स हैं या फिर डीप मसल्स हैं। मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि हमारा मैंने पहले ही बताया कि हाई यील्ड देखेंगे, बाकी जो है आप लोगों को मैं बता दूंगी, कंटेंट शेयर कर दूंगी, वो याद आपने खुद करना होगा, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके एक्सट्रिंसिक मसल्स में आ जाता है ट्रेपीजियस, लैटिसिमस डोर्सल, लिवेटर स्कैपुली और रोम्बॉइड्स, ठीक है। मैंने बोल जल्दी 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 दिए हैं लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी आराम से ही। लैटिसिमस डोर्साई मसल, ये लैटिसिमस डोर्साई मसल है, तो लैटिसिमस डोर्सा है, इसकी अटैचमेंट किस तरह से हो रही है ये आपने करना है, ठीक है। कुछ बच्चों को शायद लगे कि ये नहीं करना, लेकिन ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लोअर रिब्स ऑफ थोरैको लंबर फेशिया से शुरू हो रहा होता है और इलियक क्रेस्ट से, इलियक क्रेस्ट क्या है, हिप बोन पे इसकी अटैचमेंट हो रही होती है। बेसिकली आप इतना भी अभी याद रखेंगे ना कि हिप बोन है और उस पर एक इलियक क्रेस्ट है, जब लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा, और एंड में आपने ब्लॉक तो पूरे कर देना है ना, तो अभी के लिए आप कह लें कि हिप बोन, लेकिन एंड में आपने याद कर लेना है कि इलियक क्रेस्ट और लोअर रिब्स से ये जो है अपनी ओरिजिन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर लोअर रिब्स पड़ी भी होंगी ना अंदर, और नीचे हमारे पास हिप होगी, ठीक है, तो वहाँ से ये अपनी ओरिजिन ले रहा है, और इंसर्ट कहाँ पे जाके हो रहा है, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस ऑफ ह्यूमरस, लेडी बिटवीन टू मेजेस में, लेडी क्या है, लैटिसिमस डोर्सा है, ठीक है। तो इसकी मैंने अटैचमेंट आपको बता दी है, तो लैटिसिमस डोर्सा की मैंने आपको अटैचमेंट बता दी है, और मैं आपको अटैचमेंट बताने जा रही हूँ ट्रेपीजियस की, लेकिन ये दोनों मसल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगी, कि जो लैटिसिमस डोर्सा है और पेक मेजर है, ये दोनों, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग मसल्स, ठीक है। आप लोग नोट कर रहे हैं ना साथ साथ, क्योंकि ये बातें आपको एक किताब में नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब ट्रेपीजियस के अटैचमेंट मैं क्यों बता रही हूँ, उसकी भी एक बकायदा इंपॉर्टेंस है। ट्रेपीजियस आपको ये पता चल रहा होगा कि ये ट्रेपीजियस मसल है, ट्रेपीजियस मसल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वर्टेब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से शुरू हो रहा है, ठीक है, किससे शुरू हो रहा है, वर्टेब्रा के सॉरी ट्रांसवर्स प्रोसेस से शुरू हो रहा है। वर्टेब्रा अभी आपने नहीं पढ़ी, लेकिन समझें कि ये एक वर्टेब्रा है, ठीक है, ये आप समझ लें कि एक वर्टेब्रा है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स प्लेन तो आपने पढ़ा हुआ है ना, ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है कि अगर मैं इस तरह से इस बॉडी को कट करूं तो ये क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो इसी तरह से, इसी
एंगल में ये वाली जगह जा रही है ना, इसको इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। मैं अभी आपको इतना ही समझा सकती हूँ, बाकी आपको थोरेक्स में ही समझ आएगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टेब्रा से ट्रेपीजियस शुरू हो रहा है और स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे और क्लेविकल पे भी इसकी अटैचमेंट है, वो आपने पढ़ी भी है इसलिए मैं उस पर जोर नहीं दे रही, लेकिन वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे भी अटैच हो रहा है और क्लेविकल पे भी अटैच हो रहा है। ये ट्रेपीजियस मसल है।